हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची जोधपुर के हिंसा की चर्चा, सरकार से शांति बनाए रखने की गई अपील। राजस्थान के जोधपुर में हुई हिंसा की चर्चा संयुक्त राष्ट्र में भी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने बुधवार को भारत सरकार और एजेंसियों को शहर में शांति और सद्भावना सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। इसके अलावा यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के कार्यालय ने शहर के सभी समुदाय के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। ईद के दौरान जोधपुर में बवाल हो गया था, इसके बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी, साथ ही इंटरनेट बंद करने जैसे उपाय भी किए थे। ईद से पहले हुई हिंसा को लेकर सवाल पूछे जाने पर महासचिव के उपप्रवक्ता ने कहा कि मुझे लगता है कि मूल बात हमारी आशा है कि अलग अलग समुदाय मिलकर काम करेंगे और सरकार और सुरक्षा बल ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग शांति से उत्सव समेत अपनी गतिविधियां कर सके। हिंसा के दौरान 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ADG कानून और व्यवस्था HSS घुमारिया ने बताया कि आज भी जिले में भारी पुलिस बल तैनात है और कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में छोटी घटना की भी बारीकी से निगरानी की जा रही है। अब तक हिंसा से जुड़े मामलों में 97 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। CM ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि दो समूहों के बीच झड़प से हिंसा हुई। प्रशासन को शांति और व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि हिंसा भड़काने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। जोधपुर से खास रिपोर्ट।